हेलो, वेलकम टू आरएस अग्रवाल ऑफिशियल। मेरा नाम राजीव पांडे है। पिछली बार हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस की तैयारी की थी, इस बार हम मैग्नेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। अब देखो, मैग्नेटिक्स की जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, बस डायरेक्शन करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर आर टू कॉइल्स वुंड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रॉड। इनिशियली द के इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट, लेटर द के इज इंसर्टेड एंड देन रिमूव्ड शॉर्टली आफ्टर। What are the two observations that can be noted from the galvanometer reading? तो देखो क्या कहता है ये कि दो कॉइल है, एक येरी और एक येरी। पहले कॉइल में देखो हमने एक बैटरी लगा रखी है, एक की लगा रखी है और इसको एक ऐसी रॉड के ऊपर लपेटा हुआ है जो नॉन कंडक्टिंग, मतलब करंट पास नहीं करेगी। यहां से देखते हैं, कॉइल वन यहां पर वुंडेड है और कॉइल टू यहां पर। कॉइल टू के साथ क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। अब हमें पता है कि जैसे ही इसके अंदर कोई करंट जो है वो अगर अपीयर होता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा? डिफ्लेक्शन शो होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर, जैसे ही हम इस की को यहां प्लग करेंगे तो क्या होगा? सर्किट क्लोज जाएगा तो करंट जो है ऐसे फ्लो करना चालू कर देगा, प्लस से माइनस की तरफ। जब इसके अंदर करंट का फ्लो होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये इस करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा, और अपोज करते समय क्या करेगा, इसके अंदर एक दूसरा करंट डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट होगी। तो इसमें क्या होगा, इस साइड को और इस साइड को, इस साइड को करंट जो है क्या आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन शो होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो यही ऑब्जर्वेशन है, पहले में क्या होगा, कोई गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, रीडिंग क्या दिखाएगा, बिल्कुल न्यूट्रल, ऐसे गैल्वेनोमीटर जो है बिल्कुल बिल्कुल सीधा दिखाएगा। और जब हम इंड्यूस कराएंगे करंट, तो करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इंड्यूस करंट, और डायरेक्शन देखो किधर होगी, उस साइड। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। पूछ रहा है कि हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। तो अब देखो, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो हम किससे दें, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल देखो कैसे, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये थंब है, थंब जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को थंब रूल रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो, थंब करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, हमारी उंगलियों की तरफ से। तो उंगलियां कैसी है हमारी, इस तरीके से बैंड हो रही है, तो ये क्या दिखाएगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सपोज करो क्या है हमारे पास, तो करंट कैसे जा रहा है यहाँ पे, इस तरीके से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सही है। यहां से इस तरीके से हमें क्या दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी, इस तरीके से। कैसे जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे 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 ऐसे, है ना, इस तरीके। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, इस तरीके से सर्कुलर। PQ इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ अ पेपर एज शोन इन द फिगर बिलो। देखो क्या कह रहा है, PQ जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है। अब इसके कारण हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो देखो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसे हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट आर एंड एस। आर और एस पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पता करनी है कि डायरेक्शन क्या है इसकी। अब देखो, यहां से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा, हमारी उंगलियां जो है, ये उंगलियां जिस तरीके से मुड़ रही है, तो ऐसे, है ना, सर्कुलर अराउंड से रिप्रेजेंट करेंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस तरीके से यहां पर देखो, यहां पर देखो, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और एस पे भी कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब देखो यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो, इस आर पॉइंट पे, आर पॉइंट पे जब करंट जाएगा, आर पॉइंट पे ऐसे जो करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, अंदर की तरफ होंगी, क्या होंगी, अंदर की तरफ। तो ये बोर्ड के अंदर की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। और सेम ऐसे एस की डायरेक्शन में क्या होगा, एस की डायरेक्शन में क्या होगा कि ये बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही होंगी। तो एक एग्जांपल यहां पे हम ये चेक कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट है ये, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके सर्कुलर पड़ रही होंगी। अब देखो, अगर ये यहां पर पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, यहां से हमारी जो ये जो हमारी नेल्स है क्या करेंगी, इस पॉइंट को टच करेंगी इनवर्ड, और यहां पर ये पॉइंट इस पॉइंट को कैसे टच करेंगी, आउटवर्ड। तो इसी तरीके से यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड द पेपर, और यहां पर ये डायरेक्शन होगी
आउटसाइड द पेपर, समझिए इस बात को। गिवन आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, क्या बोल रहा है कि आर वन जो है वो ज्यादा है आर टू से, तो पूछ रहा है वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर, गिव रीजन। तो देखो जो पास होगा वहां पर क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है, तो जो पॉइंट पास है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसलिए R2 के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स्ड, हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज। तो पूछ रहा है कि अगर हमने इस करंट को चेंज कर दिया, चेंज कर दिया मतलब क्या है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे चेंज हो जाएंगे। तो देखो इसको हम समझते हैं इस तरीके से, क्या किया हमने, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये करंट की डायरेक्शन है ये चेंज कर दिया। तो देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फिर भी हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से, क्योंकि करंट जो है वो क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो अब क्या होगा इसी तरीके से फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारे उंगली के हिसाब से सर्कुलर होंगी, तो अब के फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो सर्कुलर होंगी, क्या होंगी, सर्कुलर इस तरीके से। और डायरेक्शन क्या होगी अब के, अब की डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी, अब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टी इस तरीके से, सेम यहां पे भी। तो अगर फिर से वही पोजिशन लेते हैं कि यहां पर यह पॉइंट होगा ये कोई आर और यहां पर यह कोई पॉइंट होगा एस, तो अब क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर आर वाले की जगह अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है आर वाले के लिए क्या होगी, आउटसाइड द पेपर, और एस वाले के लिए इनसाइड द पेपर। समझ में आ रहा है, दोबारा से विजुलाइज करके देख सकते हो, करंट की डायरेक्शन ऐसे बनाई, एक पॉइंट यहां लिया तो क्या करेगा कि ये पॉइंट हमारी नेल्स जो है पॉइंट को टच करेंगी आउटसाइड, और इधर की तरफ होगा तो इनसाइड। तो इस तरीके से तुम अपने हाथ को इमेजिन करके हमेशा डायरेक्शन निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो पूछ रहा है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किस रूल से फाइंड करते हैं, बार बार यूज कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो यही जो है ये रूल है, राइट हैंड थंब रूल, जिसके कारण हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। What will happen to the magnetic field lines due to a current carrying straight wire upon the reversed of current? देखो सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है कि अगर हमारे पास क्या है, एक कोई अपवर्ड डायरेक्शन में ये रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये अपवर्ड है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फिर से सर्कुलर होंगी इसके अराउंड, है ना, और डायरेक्शन क्या होगी इस तरीके से। और अगर डाउनवर्ड रखा है तो क्या होगा, डाउनवर्ड रखा है तो क्या होगा, फिर से इसके अंदर करंट आई, इसके अंदर भी आई, इसके अंदर भी करंट सेम जा रहा है, बस डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट हो गई है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो भी उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऑपोजिट। तो पहले इस तरीके से, तो अब के इस तरीके से, बहुत ईजी है इसको समझना, बस आपको क्या लगाना है, राइट हैंड थंब रूल, क्या लगाना है, राइट हैंड थंब रूल, हमेशा अगर अब जा रहा तो अब, डाउन जा रहा डाउन, सीधे जा रहा तो इस तरीके से, उल्टा जा रहा तो इस तरीके से। और हमारी जो उंगलियों की जो डायरेक्शन है कर्ल होने की, वही हम दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे उसके चारों ओर घूम रही है, तो किसी के लिए हम बोलेंगे कि इनसाइड और किसी के लिए आउटसाइड। देखो क्या रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होती है। देखो बार मैग्नेट बना लेते हैं हम इस तरीके से, नॉर्थ साउथ ऐसा ही है। अब देखो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से। डायरेक्शन बना लेंगे हम बड़े आराम से, डायरेक्शन देखो कैसे बनेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर सेम वैसे ही उल्टा यहां पे भी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर से कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है किसकी है, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। नेम द डिवाइस विच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कौन सी ऐसी डिवाइस है जो काम करती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमें क्या प्रोवाइड करता है, करंट। तो एक डिवाइस यहां पर हो गई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर,
पूछ रहा है इन विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो डेंसर होती है वो किस पार्ट में होती है मैग्नेट के। तो देखो यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ के पास देखो बहुत सारी फील्ड लाइंस है और साउथ के पास भी बहुत सारी फील्ड लाइंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोल्स के पास मैग्नेटिक पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो ज्यादा होती है। तो ये बात हमें समझ में आती है चाहे कैसा भी मैग्नेट हो, चाहे वो यू शेप्ड हो, चाहे वी शेप्ड हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, चाहे वो बार हो, कैसा भी मैग्नेट हो उसके पोल्स के पास हमेशा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी या फिर पोल के पास स्ट्रेंथ जो होगी वो मैग्नेट की बहुत ज्यादा होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे बताए जो डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को या फिर करंट की डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन कुछ और हम ट्राई करेंगे करने की जिससे हमें क्लियर हो जाए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए चाहे कैसा भी डायरेक्शन पूछे हमसे हम उनके आंसर कर पाए। तो अगली वीडियो में हम और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे और कुछ नोएकस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।